हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिचा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बनाने का रायता, और ये बहुत इजी है बनाने में। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ टू मिनट लगेगा आपको बनाने में, और ये बहुत टेस्टी बनता है। ये बड़े लोग को भी पसंद आता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। बनाना तो वैसे भी सबको अच्छा लगता है खाने में, और बहुत टेस्टी, ये हेल्दी भी होता है ये बनाने का रायता। और इसमें ज़्यादा चीज़ भी नहीं पड़ती है, सिर्फ तीन चीज़ मैंने ली है इसमें। फर्स्ट चीज़ है बनाना, सेकेंड चीज़ दही, थर्ड चीज़ है चीनी। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ली है, और दही अपने हिसाब से, जैसे एक लोग को खाना उस हिसाब से बनाई, दो लोग को मैं अपने सिर्फ खाने के हिसाब से बना रही हूँ। तो मैंने 1 केला लिया है, और थोड़ा सा मैंने दही लिया अपने हिसाब से। अब इसको मैं केले को इसके छील करके मैं छोटे छोटे पीस कर लूँगी इसके। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए, मैंने बनाने के छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, इतने छोटे आपको पीस करने हैं जैसे खाने में ख़राब ना लगे, ठीक है। और दही ज़्यादा गाढ़ा मत रखिएगा आप, और ऐसे इस हिसाब से आपको दही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है दही, नहीं तो खाने में ये सही से बन नहीं पाएगा और ख़राब लगेगा खाने में। मैं 2 टेबल स्पून शुगर ली है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी, दोनों को मिला करके मैं अच्छी तरह से मिलाऊँगी दही और चीनी को। अब इसमें मैं जो बनाना मैं काट के रखी हूँ इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए तैयार हो गया आपका बनाने का रायता, और बहुत ही इजी बना है, बहुत जल्दी बन गया है, बहुत टेस्टी बना है। और इस रायते को आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी आपके घर में गेस्ट आता है उसको खिलाओ, और आप भी अब टेस्ट करो, बहुत अच्छा बना है। और मेरा अगर रायता आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखिए कि मैंने कैसे बनाया है और कैसा बना है, आपको पसंद आया। मुझे तो बहुत ही पसंद, बहुत टेस्टी बनता है, और आप ज़रूर बनाइए इसको, टेस्ट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी वीडियो लेके, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।